गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन, बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आर्यन द गुरु हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। भंतरेहड़ महादंगल की बड़ी माली में विक्की पहलवान ने मारी बाजी। पोंटा साहिब के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। मंडी में मरीज हो रहे परेशान, जोनल हॉस्पिटल में नहीं मिल रही अल्ट्रासाउंड की सुविधा। मटन सिद्ध क्षेत्र में नहीं खोलने देंगे शराब का ठेका। भंतरेहड़ महादंगल की बड़ी माली में विक्की पहलवान ने मारी बाजी। किन्नौर में ठंड ने फिर दी दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। सिविल अस्पताल पोंटा साहिब के डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ ने भविष्य में नियुक्त होने वाले चिकित्सकों के एनपीए को रोके जाने का एक मत से विरोध जताया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वेतन को लेकर हिमाचल में पंजाब की तर्ज पर निर्णय लिए जाते हैं, ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय चिकित्सकों के हित में नहीं है, साथ ही ये एक जनविरोधी निर्णय बताया गया है। संघ ने मांग उठाई है कि डॉक्टरों को मिलने वाला नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टरों की ड्यूटी बाकी विभागों में तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों से काफी अलग है और इन्हें हर परिस्थिति में सेवाएं देनी पड़ती हैं। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले डॉक्टरों को विश्वास में लिया जाए। आज हमारी सिविल हॉस्पिटल पोंटा में एचएमओए की गेट मीटिंग की गई, सभी मेडिकल ऑफिसर्स वहां पे प्रेजेंट थे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीए जो कि नए बैच से विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ने, तो उसके विरोध में हमने ये मीटिंग रखी थी और इसमें वित्तीय हानि होगी और ये जो है एक जन विरोधी फैसला है सरकार का, जिससे डॉक्टर और ये प्रोफेशन आगे चल के कमर्शियल भी हो सकता है, तो ये इफ़ेक्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा। जैसा आप हम सारे जानते हैं हिमाचल हेल्थ स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता आया है पूरे स्टेट नेशनल लेवल पे, हम दूसरे नंबर पे हैं पूरे इंडिया में, और किसी भी तरीके से पॉलिसीज को चेंज करना हमारे इस डेवलपमेंट को रोकेगी, तो ये एक जनविरोधी फैसला है और एचएमओ इसका कड़ा विरोध करता है। और अगर इस पे जल्दी कोई फैसला नहीं लिया गया तो मंडे से पेन डाउन स्ट्राइक 11 बजे तक की जाएगी और ये आगे चल के विद्रोह जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको सूचित करेंगे। जोनल अस्पताल मंडी में मरीजों को करीब 2 महीने से अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दोगुने दाम देने पड़ रहे हैं। साथ ही अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो मरीज चलने में भी समर्थ नहीं होता है तो उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके साथ आए तीमारदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जोनल अस्पताल मंडी के चिकित्सा अधीक्षक धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट ने 31 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तब से अभी तक जोनल अस्पताल मंडी में अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट की स्थायी नियुक्ति मंडी जोनल अस्पताल में करेगी वैसे ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर डिप्यू नहीं हो सकते को? तो ये तो अब हिमाचल सरकार के संज्ञान हायर अथॉरिटीज का विषय है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये जरूर है कि एनेस्थीजिया के डॉक्टर जो है एक सीनियर रेजिडेंट नेरचौक मेडिकल कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज से डेली बेस पर आते हैं और जोनल अस्पताल मंडी में जो है सर्जरीज में हमारी असिस्ट करते हैं। अगर इसी एनालॉगी पे सरकार आदेश करे और कोई रेडियोलॉजिस्ट वहाँ से आए तो लोगों को सुविधा मिलेगी। जोनल अस्पताल मंडी में हमारे पास 2 हाई एंड अल्ट्रासाउंड की मशीन जो हैं वो लगी हुई हैं, 3 मशीनें हमारे पास, 2 हाई एंड मशीन जो हैं वो चली हुई हैं। पहले वाले रेडियोलॉजिस्ट उन मशीनों पर कार्य करते थे और यदि जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट होता है तो इस सुविधा को जो है आम जनता के लिए तुरंत जोनल अस्पताल मंडी में मार्च महीने में हमारे पास यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध थे
उन्होंने एक महीने का नोटिस दिया, वो डायरेक्ट कैंडिडेट थे, और 31 मार्च को उन्होंने जो है सरकारी सेवा से रिजाइन दे दिया। तत्पश्चात जो है अभी लोगों को दिक्कत आ रही है, रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से जो है अल्ट्रासाउंड सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने हायर अथॉरिटीज़ को दे दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार जल्द ही जनरल अस्पताल मंडी के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो है के ऑर्डर हो जाएंगे, और जैसे ही ऑर्डर होते हैं तो ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर हमीरपुर के मटन सिद्ध क्षेत्र में नया शराब का ठेका खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है यहां शराब का ठेका खुलने से नशे के प्रचलन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान की कार्यशैली को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उन्हें विश्वास में लिए प्रधान की तरफ से NOC जारी की गई है। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन की बात सुनकर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों से बातचीत की गई। वहीं ठेका संचालकों की माने तो उन्हें विभाग से ठेका खोलने के संदर्भ में अनुमति प्राप्त है तथा प्रधान की तरफ से भी NOC मिली है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही यहां ये ठेका खोला गया है। ठेके पर विरोध जताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हमारा पब्लिक से कोई विरोध नहीं, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास NOC जो विवाद पड़ा हुआ है, इनका अपने पंचायत का विवाद पड़ा हुआ है, जब हमारे पास NOC आई हुई है उसी के बेस पे हमने यहाँ पे ठेका खोला है। सरकार के थ्रेड भी हमारे पास, लाइसेंस भी है, अब जो कार्रवाई सरकार करती है वही उसका वेट करते हैं। मेरा नाम लवलीन है, मैं दुग्गा खूब से हूँ, महिला मंडल दुग्गा खूब से, राधा कृष्ण महिला मंडल है हमारे, इसका नाम है। हमारी पहले प्रॉपर मटन पर शराब का ठेका था, तो हमारी सभी महिलाओं ने और हमने प्रोटेस्ट करके उसको उठवाया था, तो और 7 जो लेडीज थी उन्होंने 7 साल तक कोर्ट में केस लड़ा था। उसके लिए मैं तो उनकी बड़ी धन्यवादी हूँ, जो कि अपने मतलब हमारी 7 फैमिली है वो तो डिस्टर्ब हुई हुई, और जो साथ में 44 औरतें और साथ में थी उन्होंने भी उनके साथ बहुत सेक्रीफाइस किया। तो अब ये दोबारा से खुल रहा है, ये प्रधान जी ने NOC दे दी है, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, खाया है पैसा या क्या किया हमें नहीं पता इस चीज़ का, पर हम चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए, यहाँ पर ना खुले, हमारी तरफ से कहीं और खोल दिया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि इसकी आय की जो आय है वो हमारी सरकार को जाती है और सरकार को इससे फायदा होता है, आमदनी का साधन वही है। डहर उप तहसील की ग्राम पंचायत बरोटी के भंतरेहड़ तालाब घाट में आयोजित महादंगल के फाइनल मुकाबले की बड़ी माली में विक्की कैंथल ने हरदीप फगवाड़ा को और छोटी माली में सुनील कपूरथला ने जर्नैल जम्मू को हराते हुए फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज की। महादंगल के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने शिरकत करते हुए विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। इस दौरान भंतरेहड़ में जिम खोलने के लिए 2 लाख और दंगल के लिए 21,000 देने की घोषणा भी की गई। अवसर प्राप्ति में मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर दंगल का आयोजन हर वर्ष की भांति इस बार भी करवाया जा रहा है, इसके लिए दंगल कमेटी को, पंचायत को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि खुशी का नजारा हो, बीच में भाषण हो तो दोनों बातें जमती नहीं है, भाषण के लिए और अनेकों मौके मिलेंगे, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का यहाँ उपस्थित सभी माता बहने बुजुर्ग नौजवान मित्र सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक बार पुनः मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपने सेवक के रूप में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुना, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्ष भी मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किया और इन 5 वर्षों में भी प्रयास करूंगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर ना रहे। और इस रोटी पंचायत का मैं अगर जिक्र करूं, यहाँ पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पिछले 5 वर्षों में अपने इस पंचायत के अंतर्गत, चाहे स्कूल भवन की बात थी, चाहे पुल के निर्माण की बात थी, चाहे सड़कों की बात थी, चाहे वो महिला मंडल भवन की बात थी, चाहे सामुदायिक भवन की बात थी, जहां जहां भी मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने मुझे आदेश दिया, मुझे कहा, मैंने उस कार्य को पूरा करने का ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। और आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ ही जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी पड़ने के साथ निचले व मध्यम इलाकों में भारी बारिश का दौर देखा गया। मौसम में आए इस बदलाव के बाद जिला के अधिकांश क्षेत्रों में शाम सुबह
भारी ठंड दर्ज की जा रही है। शुक्रवार देर रात को जिला मुख्यालय रेकोंगपियो सहित कल्पा, भावानगर, टापरी, काफनू, काटगांव, चौलिंग, सांगला, आकपा, रिब्बा, मुरंग, ठंगी, जंगी, स्पीलो, कानम आदि क्षेत्रों में बारिश होने के साथ छितकुल, नेसंग, रोपा, आसरंग, हांगो, चुलिंग आदि क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर देखा गया। मौसम में आए इस परिवर्तन के बाद मई महीने के आखिरी सप्ताह में भी लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।